हाय दोस्तों, मैं हृदय और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल दोस्त। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीवो की Z1X के बारे में। यहाँ पे अगर वीवो की Z1X के बारे में बात किया जाए तो सही में आप लोगों को लगेगा कि वीवो पहले से बहुत ज़्यादा सुधर चुका है, क्योंकि पहले वीवो अपने स्मार्टफोन में सिर्फ कैमरे को ही देखता था। लेकिन अभी वीवो बिल्ड क्वालिटी से लेके प्रोसेसर से लेके परफॉर्मेंस तक हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देता है और आजकल बेहतरीन से बेहतरीन स्मार्टफोन सही में वीवो मार्केट में ला रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो Vivo Z1X है, इसके बारे में आप लोग बहुत सारे वीडियोस YouTube में देख चुके हैं। शायद वहाँ पे किसी वीडियोस पे आप लोगों ने इसके कैमरा सैंपल और कैमरा को के बारे में देखा है, और किसी वीडियो में आपने यहाँ पे PUBG खेलते हुए देखा है Vivo Z1X पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे इसकी प्राइस के ऊपर कि कितना कुछ इसका प्राइस हो सकता है, और आखिर में बात करेंगे कि क्या उतने प्राइस पॉइंट में अगर ये लॉन्च हो जाता है तो क्या इसको खरीदना एक अच्छा मतलब ऑप्शन रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे अगर बात किया जाए Vivo की Z1X की तो ये कल 6 तारीख को लॉन्च होने वाला है, और यहां पे अगर इसकी बात किया जाए लुक्स की तो यहां पे जितनी भी सारे पिक्चर्स दिख रही है इस फोन की, यहां पे आप बोल सकते हो फ्लिपकार्ट पे जो ट्रेलर आ रहा है उसका, तो बहुत ही बढ़िया डिजाइनिंग स्मार्टफोन तो दिख ही रहा है। यहां पे अगर बात किया जाए इसकी डिस्प्ले की तो यहां पे 6.38 का फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा, जो होगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो और इसी डिस्प्ले पे आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, जो कहा जा रहा है कि 0.48 सेकंड पे आपके फोन को अनलॉक कर देगा। तो बहुत ही फास्ट काम करने वाला ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है। यहां पे कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 712 SoC आ रहा है, क्योंकि यहां पे जो वीवो ने अपने बेंचमार्क को स्कोर किया है वो मतलब बेंचमार्क स्कोर को जो शेयर किया है वो जो बेंचमार्क स्कोर है वो 712 की SoC का है। मतलब इसका मतलब वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे 660 हो सकता है, तो नहीं, मेरे ख्याल से वहाँ पे 712 SoC ही रहने वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस स्मार्टफोन में 6GB का रैम रहेगा, 64GB और 120GB की दो स्टोरेज वेरियंट वहाँ पे आप लोग को मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि पीछे 3 कैमरा का सेटअप रहेगा, मतलब 3 ट्रिपल कैमरा सेटअप रहेगा, जहां पे जो पहला कैमरा होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX सेंसर, और बाकी दो जो कैमरा रहेंगे वो होगा एक वाइड एंगल के लिए और दूसरा होगा डेप्थ सेंसिंग के लिए। और यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि यहां पे फ्रंट पे आप लोग को 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिल जाएगा, जो बहुत ही सही में बहुत ही बढ़िया सा एक सेल्फी कैमरा बोला जा सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बैटरी की, क्योंकि यहाँ पे बैटरी जो है यहाँ पे 4500 mAh की मिलने वाली है, साथ ही में आप लोग को यहाँ पे 22.5W की वीवो फ्लैश चार्ज मिलने वाली है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप इस स्मार्टफोन को 3 मिनट के लिए चार्ज कर लेते हो तो आप लोग सॉरी 5 मिनट के लिए चार्ज कर लेते हो तो आप लोग को ये 3 घंटे का टॉक टाइम देगा। मतलब इतना बढ़िया इसकी मतलब चार्जिंग क्वालिटी आने वाली है इस स्मार्टफोन में। और कहाँ जा रहा है, क्योंकि वीवो जो चाइना में लॉन्च करता है वीवो 5 को, तो उसके आसपास ही इसका प्राइस इंडिया में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया में इसका प्राइस 17,000 to 18,000 के आसपास मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें ऐसी स्पेसिफिकेशन अगर आता है और 17 और 18 के आसपास अगर इसकी वैल्यू या फिर इसकी प्राइस आती है तो क्या लेना अच्छा होगा या फिर नहीं। तो अगर बोला जाए वीवो की Z1 Pro के बारे में, इससे पहले जो निकला था तो भी 17,000-18,000 के बीच में मिलता था, और वो भी एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन था। वहाँ पे अगर PUBG की बात करें तो PUBG आप बहुत ही बढ़िया से खेल सकते थे। कैमरे क्वालिटी की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बेहतरीन से बेहतरीन स्मार्टफोन ही बोला जा सकता है उस प्राइस पॉइंट में। और ये जो Z1X आने वाला है ये भी एक बेहतरीन स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए प्राइस की, 17,000-18,000 या फिर 20,000 के नीचे अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता ना तो ये बहुत ही कहर आने वाला है, क्योंकि ये स्मार्टफोन सही में बहुत ही बढ़िया बाय होने वाला है। अगर आप 20,000 के अंदर एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो और अगर 20,000 के अंदर ये स्मार्टफोन आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया सा ये स्मार्टफोन बन सकता है। आगे देखते हैं अगर आरदम जितने प्राइस पॉइंट में लॉन्च हो जाता है, मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा तब भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये 20,000 के अंदर लॉन्च हो जाता है, 17,000-18,000 में लॉन्च हो जाता है, तो बेहतरीन से बेहतरीन
ऑप्शन होगा। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कितने प्राइस पॉइंट में ये लॉन्च हो जाएगा और क्या आप लोगों को एक्सपेक्टेशन है वीवो से फ्यूचर में, क्योंकि वीवो अभी वीवो V17 Pro को भी लाने वाला है, वहां पे भी कुछ नए इनोवेशन वीवो सोच रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ आता है और आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है वीवो से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो को अगर देख रहे हैं फेसबुक पे तो हमारी इस पेज को लाइक कर लीजिएगा, अगर देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, भारत माता की जय।